Thank you.
Shri Guru Varamanga Gandhara Yogi Nari Shri Shri Radha Nari Yogi Jaya Madan Kuru Yogi Jaya Huh? You Bhabhi who care? Yeah. Yeah, Bhabhi care. आप निगाह पहले करें ना कौन है जो भाई की बेटी इधर आ जाओ कथा सुन लो उसके बाद में इधर आ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। यहाँ पर किसी भक्त ने प्रश्न किया है प्रभुपाद को, हम जीवन में भगवान को कैसे दर्शन कर सकते हैं, हमें ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं वह तभी भगवत दर्शन हो सकता है जब श्री गुरुवानुगते सेवन मुख है कृष्ण कृपा प्रख्या ही भगवत दर्शन रास्ता। कहते हमको भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। बोले कैसे भक्ति करेगा, क्या अपने आप भक्ति करे? कहते नहीं, मनमानी भक्ति करने से भगवान नहीं मिलेंगे। बोले किसकी अनुगत्य में? बोले गुरु जी की अनुगत्य में भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए बोले सुखम खाद अमृत द्रव संजु। कहते भागवत कथा तो बड़ा मीठा था, लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी के मुंह से कथा निकली ना, और भी मीठा सा हो। बोले किस लिए, कारण क्या? बोले कारण है जो भक्ति है ये गुरु परंपरा से ही भक्ति मिलती है। अपने आप भोई भोड़ होकर कहीं निकल गए, मनमानी एक मंत्र निकाल दिया, मनमानी एक रास्ता निकाल दिया, कहते उससे भगवत प्राप्ति नहीं होता है। भगवत प्राप्ति के लिए गुरु परंपरा से ही भगवत भक्ति मिलता है। जैसे कृष्णा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को फिर नारद जी को देते हैं, नारद जी उसी ज्ञान को व्यास को देते हैं, व्यास देव उसी ज्ञान को मध्वाचार्य जी को देते हैं, हैं? कहते ये जो भगवान सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ से आया, किसने दिया? बोले कृष्ण ही स्वयं दिया, भगवान दिया। इसलिए एक गुरु जी को परंपरा में ये ज्ञान आए। जब उसी लाइन में खड़े रहेंगे ना, जिस लाइन भगवान स्वयं दिए, अगर उसी लाइन में खड़े रहेंगे ना, एक दिन तो हमारा नंबर जरूर लग जाएगा। अगर बिना लाइन में अगर खड़े रहेंगे जिंदगी भर अगर खड़े रहेंगे ना, नंबर नहीं आएगा। लेकिन लाइन में खड़े रहेंगे तो हाँ नंबर आएगा, देर हो सकती है लेकिन नंबर तुम्हारी जरूर आएगी। जैसे उदाहरण देते हैं जो मेन इंजन है, अगर मेन इंजन में अगर कोयला की एक दीवा लग जाए ना, देखना सही जगह पर पहुँच जाए, हैं कोयला का दीवा। लेकिन बगैर इंजन के अगर सोने की दीवा क्यों नहीं हो, बगैर इंजन के अगर नहीं लगेगा ना वो सोने का दीवा जहाँ के तहाँ खड़ी। इसका मतलब है हम अधम पतित
कोई गुण नहीं होने पर भी अगर ये गुरु परंपरा में अगर हमने खड़े हो जाएंगे तो बास एक दिन हमारी नंबर लग जाएगी। इसलिए हमें शुद्ध वैष्णव परंपरा में हमें जोड़नी चाहिए, सही लाइन पकड़नी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते गुरु जी की हाँ कहते गुरु जी की अनुगत्य में ही भक्ति करनी चाहिए, अपनी आप भक्ति नहीं करनी चाहिए है? अपनी आप भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत में बताया तसैत गुरुदेव तात्मा भयम द्वितीयाभ निवेश तस्यात् इसात् अपेद विपर्जय स्मृति। हम भगवान को भूलने का वजह से संसार में दुख कष्ट पा रहे हैं, पर क्या करना पड़ेगा? बोले गुरुदेव तात्मा, गुरु जी को देवता एवं गुरु जी को अपना आत्मा मान करके सदगुरु जी के शरण में जानी चाहिए। इसलिए श्री नेमी महाराज प्रश्न करते हैं, भैया ये माया बड़ी ठगनी है, माया बड़ी ठगनी है, हैं? हम माया कहते हैं ना, माया मतलब क्या है? जो जो चीज़ नहीं हम वह चीज़ को बोलना वही माया है, जो जो चीज़ नहीं हम उसको वही चीज़ मानना उसको कहते हैं माया है, जो जो चीज़ नहीं। जैसे एक समय कृष्णा सुदामा जब गुरुगृह में पढ़ने के लिए गए, एक दिन कृष्णा सुदामा दोनों हाथ पकड़े और जा रहे हैं स्नान करने के लिए। सुदामा बीच में कृष्ण से प्रश्न करता है, बोले कृष्ण मैंने क्या सुना था, तेरी माया बड़ी ठगनी है और तेरी माया दुनिया को नचा रही है, माया से सबके सब नच रहा है, थोड़ा माया माया दिखा दो क्या हमें? कृष्ण ने कहा समय आने पर भी दिखाओ। अभी दोनों स्नान करने के लिए जा रहे हैं और दोनों को दोनों हाथ पकड़ रखे, जो दोनों समुद्र में गोता लगाए ना, पता नहीं कहाँ से एक लहर आई और मारा एक झपट और सुदामा जी को कृष्ण से अलग कर दिया। अलग कर दिया तो वो तो बेहोश हो गया, पता नहीं उसको कहाँ करते क्या करते 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 उसको कहाँ ले गया सुदामा जी को। और सुदामा की जब आँख खुली ना, देखा है कि समुद्र किनारे में पड़ा हुआ और देखा बड़ा सुंदर एक राजमहल और एक सुंदरी राजकुमारी निकल कर गया है और उसकी गला में माला डाल दिया। बोले तू कौन हो? बोले जो राजमहल देख रहे हो ना, इसकी मैं रानी हूँ, ऐसे तू मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी, चलो मेरे साथ। उसको लेकर गए, अभी उसको उसको साथ में रह रहे हैं आनंद में, कुछ बच्चे भी हुए। एक दिन क्या हुआ, फिर एक भाई तो सारी को सारे राजमहल डुबा दिया और उसका जो बच्चे थे ना उसको सामने एक एक डूब डूब कर मर रहे थे। वो कोशिश कर रहा था बचाने के लिए लेकिन उनको बचा ही नहीं पा रहा था, और जब एक बच्चा मर रहा था उसको छाती फट रहा था। अब पता होगा बच्चा कितने प्यारे होते हैं। देखते देखते सारे बच्चे खत्म, लास्ट में कोशिश किया राजकुमारी को बचाने के लिए लेकिन खुद को ही बचा नहीं पा रहा था। देखते देखते राजकुमारी भी डूब कर मर गई है, और इतने में देखा एक लहरी आया मारा उसको थप्पड़, बेहोश हो गया। फिर देखा कृष्ण सुदामा दोनों हाथ पकड़ कर जो गोता लगाएगा डूबे, इतने में देखा उन दोनों उठे। जब दोनों उठे सुदामा ऐसे कांप रहा था, ऐसे कांप रहा था। कृष्ण का भी क्या हो गया, वो तो अक्के बक्के चक्के, बोली क्या हम तो दोनों स्नान करने के लिए आए थे गुरु गृह से और हमने डुबकी लगाया। बोले तुमने क्या देखा? बोले मैंने देखा मेरी शादी हो गई और बच्चे हुए हैं और सुनामी आया, पता नहीं सारे बच्चों को खत्म कर डाले, पत्नी भी मेरी पत्नी तो प्राण की प्यारी वो भी खत्म हो गई, मैंने सब क्या देखा। कृष्ण ने कहा सुदामा तो मेरी माया देखने के लिए बोल रहा था ना, हमने गोता लगाए और गोता लगा कर उठते 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 इसके अंदर में तुम्हारी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए और बच्चे भी मर भी गए, बच्चे तुम्हारी मर भी गए, तुमने मेरी माया देखना चाह रहा था ना, इसलिए मैंने तुमको थोड़ी समय के लिए मैंने माया दिखा दिया। इसलिए संसार यही माया है, हम जो सोच रही है हरा भरा संसार, भैया एक दिन सबके सब संसार से जाना है, इस संसार में किसको रहना, ये सब माया है, झूठे। इसलिए माया, इसलिए श्री नवी महाराज प्रश्न कर रहे नव जोगेंद्र को कि माया बड़ी ठगिनी है, बड़ी ठगिनी माया है,
लेकिन ये माया से निकलने का रास्ता क्या है, माया से कैसे निकल सकता है कि नहीं? बोले हाँ निकल सकता है। बोले कैसे? बोले तस्मात गुरुम प्रपद्यत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्म निरूप समास। माया से निकल सकती है जो माया से पर पा रहे हैं। बोले श्री गुरु जी की शरण में जाओ, तस्मात गुरुम प्रपद्यत, इसलिए क्या करो गुरु जी की शरण में जाओ। हैं जब गुरु जी की शरण में जाएंगे कहते ना चक्षुधन दिलाजे जन्म जन्म प्रभु श्री दिव्य ज्ञान हरि दे प्रकाश सीता। गुरुदेव क्या कहते हैं? बोले चक्षुदान दिलाजे, हमें वास्तव चक्षु देते हैं। बोले गुरुदेव थोड़ी आग दी, आग तो हमारा पहली था, कहते जो हमें आँख देते हैं वो गुरुदेव है। बोले गुरुदेव थोड़ी है, पहले तो आँख हमारी थी है, गुरुदेव क्या आँख दी? बोले नहीं हमें कहते ना ओम अज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मय श्री गुरुदेव। गुरुदेव क्या करते हैं? बोले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं आँखों में, हमारी ज्ञान रूपी काजल लगा देते हैं। जब लगा देता है फिर हमको सही सही पता चलता है भैया ये संसार क्या है, ये दुनिया क्या है, हाँ भगवान कौन है, भक्ति कौन है, हाँ वैष्णव कौन है, गुरु जी कौन है, ठाकुर जी कौन है, प्रेम क्या है, फिर हमें ये चीज की सही सही हमें पता चलती है। जब सही सही पता चलती है फिर हम क्या करते हैं? फिर सही सही रास्ता पर, फिर हम सही सही रास्ता पर चलते। क्या सही रास्ता पर चलते हैं? क्या हर चीज को भगवान को साथ में फिर जोड़ देते हैं, भगवान को साथ में जोड़ देते हैं। जब भगवान को छोड़ कर करते हैं वो माया है, लेकिन जब हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ देते हैं ना वो फिर माया नहीं है। अगर घर को समझे क्या है घर, ठाकुर का मंदिर है, भगवान ने दिया कि भगवान की दरबार है, रोसे क्यों बना रहे हो? बोलो भगवान की भोग लगेगा। बोले घर में झाड़ू कहाँ लेते हो? बोले भगवान की मंदिर है। बच्चे किसके? बोले ठाकुर ने बच्चे दिया है, ये बच्चे इसलिए बड़े कर रहा हूँ बच्चे भगवान की भक्ति करें, बच्चे भी भगवान की नाम ग्रहण करें, इसलिए हम इनको प्यार करता हूँ, ये भगवान के भक्त बनेंगे, ठाकुर ने ये बच्चे दिया है, इसलिए मेरे वो हर चीज़ों में क्या करता है भगवान को हर चीज में जोड़ देते हैं, बस हो गया। इसलिए यह कह रहे हैं कहते भगवत दर्शन का मार्ग क्या है, हम जीवन में भगवत दर्शन कैसे कर सकते हैं? बोले भगवत दर्शन तभी कर सकते हैं जब हमें तस्मात गुरु प्रपद्येत, पहले हमें कई शुद्ध गुरु जो शुद्ध परंपरा में, ऐसे नहीं जैसे तैसे गुरु करनी चाहिए, जहाँ चाह जा कर गुरु कर लिया, जिनकी कोई भक्ति भक्ति से कुछ से मतलब कुछ है भाई, ऐसे गुरु करने पर कोई लाभ नहीं होगा। गुरु होनी चाहिए वैष्णव परंपरा में जो आए, पिछले शास्त्र बताया अवैष्णव उपदेष्ट न मंत्र न निरम ब्रजित, अगर वैष्णव संप्रदाय के नहीं हो, अगर वहाँ हमने दीक्षा मंत्र किया तो नर्क जाना पड़ेगा, वो कहते तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, ऊपर नहीं जाओगे नीचे जाओगे हैं। इसलिए अवैष्णव मुखत गिरनम कृतम हरि कथा मृतम, इसलिए अवैष्णव से अगर हम कथा भी सुनेंगे तो कथा भी जहर जैसे काम करता है, वो कथा जहर जैसे काम करता है, इसलिए हमें शुद्ध गुरु परंपरा में आनी चाहिए। इसलिए कहते गुरुवागते सेवन मुख है कृष्ण कृपा पेख्या ही भगवत दर्शन रे रास्ता। जब हम गुरु जी का अनुगत में जाते हैं फिर गुरु जी हमें क्या बताते हैं? भले भगवान की सेवा करो, ऐसे कुछ गुरु है ना भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान तो निराकार है, हैं वो तो ठाकुर तो निराकार है, भगवान भगवान होता है, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देवी महेश्वर है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु ही सब कुछ है। अगर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो गए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहाँ जाएंगे? फिर वो फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए गुरु जी क्या करते हैं हमें, कहते गुरु जी को ब्रह्मा बतलाया, लेकिन ब्रह्मा का काम किया सृष्टि करना, उसी तरह गुरुदेव हमें हृदय में भक्ति रूपी बीज को बो देते हैं, ये सृष्टि का काम हो गया। गुरु विष्णु, विष्णु क्या करते हैं जगत को पालन करते हैं, गुरुदेव भी हमें
भक्ति का मार्ग दिखा करके, भजन की रास्ता दिखा करके हमें भक्ति मार्ग में ले जाते, इसलिए विष्णु का काम। बोले गुरुदेव महेश्वर शंकर जी से संहार करते हैं, गुरुदेव भी हमारे अंदर में जो कामना वासना काम क्रोध लोभ है इसको हटा करके भगवान की भक्ति प्रेम रस में भर देते हैं। इसलिए गुरु जी को शंकर जी को साथ में उदाहरण दिया है। इसलिए गुरुदेव क्या शिक्षा देते हैं, बोले गुरुवानुगत्य में हमको सेवन मुखी वृत्ति होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेवा की भावना हमारे अंदर में रहेगी। अब देखना जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलता है। इसलिए सेवा हमें करनी चाहिए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ठाकुर जी की वैष्णव की हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही कृपा मिलती है, सेवा के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे अंदर में सेवा करने की भावना वृत्ति हमारे अंदर में जरूर आनी चाहिए। जो जितना सेवा करेंगे ना, जब श्री श्यामानंद प्रभु आए कहाँ पर वृंदावन में गुरु जी के पास में, जीव गोस्वामी ने क्या बताया, बोले बेटा जा सेवा करना, जाओ क्या करो, निधुवन में झाड़ू लगाओ, सेवा कुंज में राधा रानी की चरण की सेवा करो। जब उनने सेवा की ना बास राधा रानी की कृपा हुई, फिर राधा रानी की चरण के नुपुर मिली, बास और नुपुर से साक्षात राधा रानी दर्शन हो गया, साक्षात राधा रानी के दर्शन हो गया। इसलिए जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना तब तक हमारी सुकृति नहीं बनी, सुकृति नहीं बनी। एक चेला आया मंदिर में, बोले हम भजन करेंगे। बोले क्या? बोले हरिनाम करेंगे। गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक 100,000 हरिनाम नहीं करोगे ना भगवान हाथ का कोई चीज ग्रहण नहीं करते। भैया गुरु जी ने बताया 100,000 हरिनाम करने के लिए, बस माला लेके बैठी है, माला लेकर बैठी है। गुरुदेव पहले तो नियम होता था, आश्रम है ना कुछ तो होता ही नहीं, भिक्षा को द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा जाओ गाँव से कुछ भिक्षा लेकर के आओ। बोले गुरु जी आप तो बताए ना 100,000 हरिनाम किए बगैर ठाकुर जी हाथ का कोई चीज ग्रहण नहीं करते। अभी माला में हूँ, माला में हरिनाम कर रहा हूँ। अभी गुरुदेव खुद गए भिक्षा करके लाए, भिक्षा करके लाए। बोले बेटा कम से कम सब्जी तो आमनिया कर दो, सब्जी तो थोड़ा काट दो। बोले गुरुदेव अभी तो माला खत्म ही नहीं, माला कर रहा। बोले गुरुदेव स्वयं सब्जी काट फुट गए। बोले बेटा कम से कम तो रसोई तो बना दो थोड़ी सी। बोले गुरुदेव तो माला खत्म ही नहीं हुआ, गुरुदेव रसोई बना दिया। उसके बाद बोले बेटा कम से कम ठाकुर जी को तो भोग लगा दो। बोले गुरुदेव अभी थोड़ी सी बाकी माला है, अभी नाम में हूँ अभी। फिर गुरुदेव ने भोग लगाया। बोले बेटा कम से कम आसन तो बिछा दो प्रसाद पाने के लिए। बोले गुरुदेव थोड़ी सी बाकी, अभी आसन लगा दिया। बोले बेटा कम से कम आ तो प्रसाद तो सेवा कर लो। बोले गुरुदेव अब तक सारे आदेश को मैंने उल्लंघन किया, अभी कम से कम लास्ट आदेश तो पालन कर लेना। अरे बैठ करके भजन कर लिया। बोले बेटा इसको थोड़ा रास्ता जगह तो साफ कर दो। बोले गुरुदेव अभी थोड़ी सी बाकी है। अरे इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं है? इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं हरि नामा श्रय करी जतन तुम्हें था कह अपने कहा जाए। इसलिए क्या करो भगवान का नाम का आश्रय लो, लेकिन क्या करो भगवान की सेवा भक्ति करो। इसलिए अगर माला में नहीं कम से कम सेवा करते करते, हमारे गुरु जी कहते थे सेवा करते करते हरि नाम करो, हाथ में सेवा करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो, ठाकुर जी उसमें डबल लाभ है। एक तो ठाकुर का सेवा हो गया, गुरु वैष्णव का सेवा हो गया, फिर भगवान का नाम हो गया, मुंह में ठाकुर जी का नाम हो गया। इसलिए कहते हमारे अंदर में सेवन मुखी वृत्ति होनी चाहिए। सेवन मुखी वृत्ति नहीं होगा ना, अगर कोई पहले आकर बोले नहीं हमको कोई सेवा नहीं, केवल माला लेकर बैठ जाएगी, नहीं हम अनर्थ ग्रस्त जीव है, हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा अनर्थ है, काम क्रोध है। माला तो लेकर बैठ जाओगे बोले मन को क्या करोगे, मन तो अपना काम करेगा ना, वो इधर उधर घूमते रहेगा। रील में जो भरा हुआ जिंदगी हुआ, रील में जो भर दिया बस, मन तो वही चीज़ को देखेगा। लेकिन जब हम सेवा करते हैं ना, शरीर रगड़ कर जब सेवा करते हैं, फिर क्या होता है, फिर हमें समय नहीं मिलता है गंदी चीज़ को याद करने के लिए। लेकिन मन को जब कोई काम नहीं हो ना, हाँ अभी तक तेरा मुक्त अवस्था नहीं, शुद्ध नाम होगा, शुद्ध नाम कर ही नहीं सकते, बस माला लेकर के अनर्थ का सजीव अगर बोलेगा नहीं 100,000 हरिनाम करेंगे, केवल एक जगह बैठ करके
सेवा नहीं करेंगे मन इधर उधर भटक रहेगा, गंदी गंदी चीज में जाएगी। इसलिए कहते क्या करनी चाहिए, बोले गुरु जी के अनुगत्य में हैं, हम सेवा करनी चाहिए। जब सेवा करेंगे हमारे संस्कार बनेंगे, सुकृति बनेगी, और जब संस्कार बनेगी फिर तो जा करके हमारा शुद्ध हरिनाम होता है। इसलिए बोले सेवन मुख हो कृष्ण कृपा पेक्षाई है भगवत दर्शन रास्ता। सेवन मुखी वृत्ति होकर के हे ठाकुर जी कब हमारे ऊपर आप कृपा करो, हम तो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं गुरु जी का अनुगत में, कब हमारे ऊपर कृपा करोगे, कब हमारे ऊपर कृपा करोगे, फिर तो जाकर उसको भगवत दर्शन होता है। इसलिए बोले तत्व अनुकंपा श्लोक यार प्रमाण। इसलिए ब्रह्मा जी एक स्तुति किया है, बोले तत्व अनुकंपा सुमिक समान भुंजा एवात्म कृतम विपाकम है विदधन्य नमस्ते समुक्ति पद दाइवा। कभी जीवन में भगवत प्राप्ति को कौन कर सकता है, बोले वही कर सकता है बोले तत्व में प्रतिष्ठित होकर के हैं। जीवन में जो कुछ आता है जीवन में क्या क्या सोचनी चाहिए, कहते ना उसने मेरे को ये कष्ट दिया, उसने मेरे को ये कष्ट दिया, उसकी वजह से ऐसे हो गया, उसकी वजह से हो गया। बोले भैया किसी की वजह से कुछ नहीं होता, तुमने जो कर्म किया कर्म का फल तुम भोग कर रहे हो, जैसे बीज बोगे वैसे ही पेड़ होगा है। अगर नीम का बीज बोएगे तो नीम का पेड़ होगा, करला का बीज बोएगे तो करला का बीज होगा, अगर चीकू का बीज बोएगे तो चीकू का बीज होगा, नारियल का बीज बोएगे तो कौन सा पेड़ होगा, नारियल। हमने जो किया वो कर्म का फल हम भोग कर, इसलिए किसी के ऊपर में कभी दोष मत लगा। इसलिए महाप्रभु बोले कहार ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारी बेगा बोले, जो किसकी कभी चुगली नहीं करता है, कभी इसकी बुराई नहीं करता है, हर समय क्या करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बस भुजा कृतम विभाग विदधन नमत समुक्ति पर दाई वापस, वही व्यक्ति ही जीवन में भगवत प्राप्ति वही कर सकता है। अभी इसको जल्दी जाना है, नहीं कोई नहीं। तो नहीं। और एक प्रश्न का उत्तर सुन लेते हैं फिर चले जाते हैं। और किसी एक भक्त ने दर्शन की प्रभुपाद को प्रश्न किया, बोले क्या प्रश्न है, बोले भगवान की सेवा कैसे हमें मिलेगा, ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे मिलेगी है। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं, बोले देखो जब तक मुक्त ना हो जाते हैं कृष्ण सेवा में अधिकार नहीं है। कृष्ण सेवा कैसे मिलेगा, बोले जब हम मुक्त हो जाएंगे तब हमें कृष्ण सेवा की प्राप्त होगी है। बोले सेवा मतलब क्या होता है, बोले सेव धातु सेवक मन, इसलिए भक्ति जो होता है सेवा। बोले जैसे एक पत्नी पति को कब सेवा करती, जब शादी हो जाती है ना है? देखना जब तक लड़की की शादी नहीं होती है, जैसे पिताजी कहीं बात कर रहे हैं, शादी करने के बाद करवा रहे हैं, अगर लड़की को पता चलेगा ना उसी लड़के को साथ में बात चल रहा है हमारा शादी होने वाला, देखना लड़की का मन उधर चली जाती है, शायद वहाँ शादी होगा, कोई एक नौकरी कर रहा था शादी होगा, लेकिन देखा उसको पिताजी ढूंढते ढूंढते देखा वो लड़के से भी एक अच्छा लड़का है जो डॉक्टर है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, अगर उसको साथ में पिताजी बात कर रहे, देखना लड़की का मन वहाँ चली जाती, शायद मेरी शादी होगी। लेकिन उसको पिताजी ढूंढते ढूंढते देखा कि बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है जो बहुत पैसा कमाता है, हैं एकदम बड़ा ठाड़ बाड़ में रहता है, बड़े नौकर चाकर रह रहे, बड़ा बिजनेस। अरे पिताजी वहाँ जब बात करते हैं अगर लड़की को पता चले ना अमुक जगह पर वो थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा स्मार्ट लड़का, उसको साथ में शादी होने वाली, देखना लड़की का मन उधर चली जाती, उधर चली जाती, साथ वहीं मेरी शादी होगी। लेकिन जब सगाई हो जाती है ना उसको क्या बोलते हो, सगाई ना क्या उसको सगाई हो जाती है, और उसमें क्या देता करके ये कर देते हैं ना, फिर लड़की को पता चलता भैया इसी से ही मेरी शादी होने वाली, और जो उसका हाथ को पिताजी लेकर के लड़के को हाथ में देकर शादी करा देती है, फिर लड़की को क्या पता चलती है यही मेरी पति है, जब ये मेरी पति है तो हमारे क्या कर्तव्य है, इसकी सेवा करना ही हमारे धर्म है, फिर वो क्या करती, फिर उसकी सेवा करने लग जाती। इसलिए सेवा कब होगा, जब हमारी संबंध जुड़ जाएगी, हमारी संबंध जब भगवान से हो जाएगा हैं, तभी जाकर के सेवा होता है। इसलिए कह रहे हैं जो सेवा है ना मुक्त अवस्था में ही सेवा होता है,
उसको पहले सेवा नहीं होती है, इसलिए कृष्ण मेरे सखा लगते हैं। जब सखा लगेंगे उसके साथ में कैसे व्यवहार करोगे, दोस्त से बात करोगे? जैसे सखा लोग कृष्ण के साथ में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कंधे पर बैठते हैं, फल खाते हैं, एक साथ में बैठ गए हैं, ये सखा ही सेवा होती है। जब पता चलेगा बात्सल्य रस में कृष्णा क्या लगते हैं, हमारी बेटा लगते हैं कृष्णा है। अभी माँ जैसे बेटा की सेवा करती है, मेरे मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, जैसे सेवा करती है, फिर जब संबंध जुड़ जाते हैं ना, कहते तब भी सेवा सही सेवा होता है। जैसे मैया यशोदा कृष्ण की सेवा कर रही है, कृष्ण की सेवा कर रही है, इसलिए जानते हो मेरे बेटा। अभी माँ को बेटे के प्रति कैसे व्यवहार करनी चाहिए तब तो व्यवहार कर सकती ना, तभी तो व्यवहार कर सकते। पर हम अभी हम जो क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं है? हम लोग हनुमान जी, उसको पता है प्रभु राम मेरा कौन है, प्रभु है, हैं प्रभु है। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, दिन भर प्रभु राम की चरण की सेवा करते हैं। जब पता चला ना ये मेरे प्रभु में इसकी दास है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सेवा तभी होगी जब हम मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, बद्ध अवस्था में सेवा नहीं है, है सेवा नहीं। अरे हम जो अभी कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं, कहते ये भी सेवा है, लेकिन ये सेवा के द्वारा हमारी संस्कार बन रहे हैं, हमारी अच्छी संस्कार बन रही है, अच्छी हमारी संस्कार बन रही, यही संस्कार बनते 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 सेवा करते करते सुकृति होते होते हमारी सुकृति अज्ञात सुकृति हमारी बन रही है। इसलिए जब तक सुकृति नहीं बनेगी ना तब तक कुछ होने वाले नहीं। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, देखो जितना हो सके गुरु वैष्णव की ठाकुर को सेवा करते हुए सुकृति बनाओ, सुकृति बनाओ। जैसे हम सुनते हैं स्नेह मान प्रणय राग अनुराग रुचि निष्ठा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। सुनते तो बहुत सारी बात है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले क्यों नहीं हो रहा है, बोले कारण है हमारे अंदर में संस्कार की कम है, हमारे अंदर में संस्कार कम है। इसीलिए गुरुदेव वैष्णव हमको तो किसी तरह से पकड़ करके माया से ले आए, यहाँ तक ले आए। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें सेवा करनी पड़ेगी, संस्कार बनाना पड़ेगी। ये संस्कार धीरे धीरे जब बढ़ेगी फिर तो जाकर की जब सिद्ध अवस्था आएगा, गुरुदेव हमारे जो सिद्ध स्वरूप बताएंगे, तुम्हारे अंदर में ये भावना है, तुम्हारी ये सेवा है, तुम कृष्ण के साथ में ये लगते हो, ऐसे ही तुम सेवा करो। जैसे जैव धर्म में मिला है ब्रजनाथ और विजय कुमार, बोले गुरु जी हमारी क्या सेवा है, बोले गुरु जी हमारी क्या सेवा, तब उन्होंने बताए तुम्हारी कैसे अंदर में भावना आ रही है। बोले मेरी आ रही है कृष्ण का सखा बना करके, कृष्ण मेरे को आदेश तक गैया हांग कर ले आए, हमारे अंदर भी हो तो तुम्हारी ये सेवा है, तो बात से रस की है। बोले हमारी क्या सेवा है, हाँ सख्य रस की सेवा हो, सख्य रस की है। बोले तुम गुरुदेव हमारी क्या सेवा, बोले तुम्हारी श्रृंगार रस में सेवा हो, राधा के अनुगत्य में हाँ सेवा करना। कहते ये साधारण अवस्था नहीं, अगर हम भी ऐसे सोचने लग जाए, नहीं हम भी हमारे अंदर में नहीं, अभी हमारी ये अवस्था नहीं। कहते ये श्रद्धा, उसके बाद में फिर साधु संग, फिर भजन करेंगे, जब हृदय से अनर्थ नष्ट होगा उसके बाद रुचि आएगी, फिर निष्ठा, उसके बाद में जो भावावस्था आती है ना है, जब भाव उसी समय में फिर इसका अंकुर होता है, उसी समय, इसको पहले नहीं होता है, उसकी पहले नहीं होता है। अभी हम साधारण रूप में सेवा कर रहे हैं कि हमारी संस्कार केवल हमारी संस्कार इकट्ठे हो रहे, इसलिए जिनी सर्वस्व भगवान के देन तिनी मुक्त। कहते मुक्त कौन है, संपूर्ण माया से मुक्त कौन है, बोले मुक्त वही है जो भगवान को सब कुछ भगवान को दे चुका है। कहते वही मुक्त है, बोले हम भी तो भगवान को सब दे चुके हैं। बोले हम भी तो भगवान को सब दे चुके, हमारा क्या है, कुछ दे ही नहीं। बोले नहीं इतना आसानी नहीं। एक समय एक गुरु जी एक घर में आए, जब गुरु जी घर में आए तो शिष्य ने कहा गुरु जी सब आपका ही है, ये सब आपका, सब आपका है, ये घर दुकान मकान ये सब कुछ आपका ही है, जो आपका ही है। बोले गुरुदेव ने कहा सब मेरी है। बोले अब क्या, सब तो गुरुदेव आपका सब गए। गुरुदेव शिष्य को बोले ट्रक मंगाओ सारे सामान को लोडी।
सारे सामान को लोडिंग कर भर लो है। गुरु जी ऐसे भी थे, शिष्य भी ऐसे था है, इसलिए सारे सामान को लड़को गिर कर तो गुरु जी सब काम किया। चेला वो चेला उसने देखा तो कहा बोलनी चाहिए सब गुरु जी आपका ही था, यही तो बोलूंगा क्या बोलूंगा गुरु तो, गुरु जैसे शिष्य वैसे थे, गड़बड़ दोनों ही गड़बड़ थे, इसलिए शिष्य तो यही बोलेगा ना गुरु जी आपका कृपा ये तो बोलेगा। इसका मतलब नहीं गुरु जी बोले सब कुछ ले चलो, इसका मतलब तो ये नहीं गुरु जी बोले सब ले चलो, हाँ सब स्वभाव को बोलनी चाहिए, हाँ गुरु जी ठाकुर का सब कुछ गुरु जी का आपका कृपा है, लेकिन गुरु जी ऐसे निकलेंगे धूर तो उनको क्या बताए है, इसलिए सब लोड़ी कर शिष्य ने सब कुछ लोड़ी किया एक एक चीज। शिष्य बोले गुरु जी तो गड़बड़ी निकले, मैं तो शायद धन्यता पूर्वक बोला गुरु जी सब कुछ आपको आप गुरु जी इसका मतलब नहीं सब लेकर चले जाओ, अरे हमारे बीवी बच्चे घर द्वार हम संसार है थोड़ी हमको इस त्यागी साधु थोड़ी है। शिष्य ने एक प्लानिंग किया हाँ, गुरु जी शिष्य भी एक प्लानिंग किया बोले इनको भी मजा चखानी चाहिए। तब जब गुरुदेव ने सब लड़ी किया शिष्य ने कहा गुरुदेव आप तो सब कुछ ले जा रहे हैं, बोले हाँ तुमने बताया सब, बोले शिष्य को था कम से कम चरण गुरु जी के चरण में तो अधिकार है ना, शिष्य का आश्रय क्या गुरु जी का चरण, बोले उन्होंने के जैसे काटने का तलवार होता है एक तलवार लाए, बोले गुरु जी आप दोनों चरण काट कर भेजा क्योंकि गुरु जी के चरण में शिष्य की अधिकार है, इसलिए दोनों चरणों को काट दो, दोनों चरणों को काट करके यही रख लूंगा आप तो सब ले जा रहे हो, गुरु जी का चरण है शिष्य का है। बोले भैया ये चेले भी तो मेरे से दो अंगुल ऊपर उठे, दो अंगुल हमारे पर बैठे, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को कहते जो भगवान को सर्वस्व भगवान को जो अर्पण किया है सर्वस्व जो भगवान को अर्पण किया है इसलिए कहते वही व्यक्ति मुक्त है। इसलिए इसका मतलब है जो 24 घंटा में 24 घंटा है जो भगवत स्मरण छोड़ करके जो कुछ नहीं जाता जानता है और सर्वस्व जो गुरु जी के चरण में ठाकुर जी के चरण में जो दिया है हा? और एक स्टोरी सुन लो कैसे गुरु जी के चरण में सर्वस्व कैसे देते हैं। कहते श्री रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्धर, ये पहले बड़े गुंडा नामी गुंडा था वहाँ के, उसका नाम सुनते सब थर 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 कांपते थे, बड़े नामी गुंडा था, जो गुंडा था उसकी जो पत्नी थी ना बड़ी सुंदरी पत्नी थी, इसलिए वो जब चलता था क्या करता था अपना पत्नी को सर के ऊपर में छत्री धारण करता था, जब रास्ता में दोनों चलता था ना जैसे पत्नी इधर से आ रही है वो क्या करता था वो पीछे चलता था और अपना बीवी को मुंह को देख देख कर उसका सर के ऊपर छत्री धारण करता था और वो पीछे चलता था, पत्नी ऐसे चलती थी मतलब, तो पत्नी बड़ी सुंदर थी देखने में, सारा दिन केवल पत्नी के मुंह को ताकता रहता था। एक दिन क्या हुआ भगवान रंगनाथ जी का रथ यात्रा निकली में उसकी पत्नी बड़ी, पहले तो लोग बड़े भक्तिमती होते थे हर घर के, दक्षिणी देश के ना सब घर घर में पहले हर व्यक्ति भगवत परायण भक्ति निष्ठ है, भगवान को भक्ति करना पूजा करना सभी के अंदर में भक्ति की भावना रहती थी, लेकिन ये तो गुंडा था, पत्नी बड़ी भक्तिमती थी। और मैंने देखा दक्षिणी देश में ना अपने एक नियम देखा, पुरुष लोग कुछ नहीं करते स्त्रियां करती, जैसे सारे पैसा दो देना जो कुछ देना पत्नी, जैसे मंदिर को जाएंगे ना पत्नी को सामने रख लेंगे पुरुष पीछे रहेगा और जो कुछ दान देना पत्नी देगी, ये पुरुष कुछ नहीं करेगा, पुरुष केवल पत्नी के पीछे रहेगा, क्योंकि जो स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप मानी गई स्त्री लक्ष्मी है, अगर उसकी हाथ से कोई चीज देते हैं घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए अभी पत्नी जा रही थी रंगनाथ जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन ये तो उसका सर पर छत्री धारण करते हुए हाँ उसका पत्नी जा रही थी उसको बस ऐसे पीछे 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 करके गया, उसकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया नमस्कार की पूजा की, लेकिन ये ठाकुर को दर्शन नहीं कर रहा था, वो तो अपना बीवी को मुंह को देख रहा था। रामानुज आचार्य वहां पर बैठे हुए थे हैं, रामानुज आचार्य बोले तुम क्या कर रहे हो, ठाकुर को दर्शन तो कर, तो बीवी को मुंह देख रहे हो, देखो क्या कहता है। बोले जगत में किस चीज को दुनिया देखता है, जो बढ़िया चीज हो तुमसे देखता है ना। बोले पत्थर में क्या रखा हुआ है,
इसलिए एक बार मेरे बीवी को देखो, बोले ना कि पत्थर को देखना भूल जाओगे हैं, इसलिए एक बार मेरे बीवी को मुंह को धरकर देखो। तब रामानुज आचार्य जी ने कहा अगर इससे कोई बढ़िया चीज मैं दिखा देता हूँ फिर उसको मैं देखूंगा, बोले उसको ही देखूंगा। इतने में रामानुज आचार्य जी ने उसके सर पर हाथ रखे, क्योंकि ये जो जड़ आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं हो सकता है। बोले प्रेमा जन छुरी तो भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो बिलोभयतम। जब हम आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे तब दिव्य दृष्टि से फिर भगवत दर्शन होता है, इन्हें आंखों से नहीं होता है ठाकुर का दर्शन। तो उन्होंने उनका सर पर हाथ रखे, ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप कृपा करें एक झलक इसको दर्शन करा, हाँ इनकी एक झलक। तब श्री नारायण ने अपना असली स्वरूप को उन्होंने दर्शन करा, क्या सुंदर ठाकुर जी हैं, ये शरीर में तो केवल चमड़ा ऊपर ढका हुआ, टाटी पेशाब खून पीक और क्या शरीर में कुछ तो है नहीं, सबर देखो बदबू बदबू शरीर से निकलती है, मुंह से बदबू, आंखों से बदबू, नाक से बदबू, नीचे बदबू बदबू निकलती है, शरीर तो है टाटी पेशाब का थैली है, केवल चमड़ा ढका हुआ है ना, इसलिए इतना प्यारी लग रही है और कुछ नहीं शरीर में है। इसलिए ठाकुर जी की सचिदानंद रूपाय भगवान सत चिद आनंद स्वरूप भगवान है, बोले कोटि कंदर्प कमन या विशेष शुभम करोड़ काम देव भी जिनकी चरण में नतमस्तक हो जाएंगे। भगवान जब एक झलक दर्शन दिया ना ठाकुर जी को रूप देख करके, क्या दिव्य सुंदर है, इतने सुंदर दक्कर को ऊपर बेहोश हो गया, उसने वहीं पर बेहोश हो गया। फिर रामानुज आचार्य सर पर हाथ रखे फिर उठाए, तब से उन्होंने पत्नी को तरफ में देखना भूल गया, कभी पत्नी को नहीं देखता है, हैं कभी पत्नी को नहीं देखा, बोले तो टाटी पेशाब का थैली इसमें क्या रखा हुआ है, हैं भगवान इतने सुंदर है। अभी क्या हुआ, वो इतने बड़े रामानुज आचार्य का इतने बड़े भक्त बन गए, इतने बड़े बड़े गुंडामी गुंडा थे, इतने बड़े भक्त बन गए। जब भक्त बन गए तभी इतने शरणागत हो गया, वहां पर कावेरी नदी है उसमें रोज स्नान करने के लिए जाते, जब करते जाते थे क्या उनको कुछ त्यागी सन्यासी लोग भी थे लेकिन शरीर में इनके तेल लगाया करते थे, जब तेल लगाते थे शरीर में जो त्यागी जो सन्यासी लोग थे ना उनके कंधे पर हाथ रख करके तेल लगा करके कावेरी नदी में स्नान करने जाते थे, लेकिन जब पानी से उठते थे ये रामानुज जो था ये जो धनुर्धर था इसको कंधे पर हाथ रख करके ऊपर उठते थे। इनका जो त्यागी सब शिष्य थे बोले देखो गुरुजी क्या कर रहे हैं, जब गुरुजी शरीर में तेल लगाते हैं अपवित्र होते हैं हमारे कंधे पर हाथ रख करके कावेरी में नहाएंगे, जब कावेरी में नहा करके जब उठेंगे और ये गृहस्थ है हैं, ये गृहस्थ और इसका कंधे पर हाथ रख करके जब पवित्र हो जाते उठते हैं, अभी उनका तरह काना काना फुसी होने लग गई, आपस में चर्चा होने लग गई। किसी तरह से रामानुजू का प्रभु को कान में गया, ये शिष्य लोग ऐसे ऐसे आपस में चर्चा करते हैं। एक दिन उन्होंने उनको परीक्षा कराया, क्या परीक्षा कराया, एक दिन जब ये अपना लंगोटी कपड़ा रख करके जब नदी में स्नान करने जाते हैं रामानुज आचार्य एक इशारा किया, बोले काम करो इनका जो कपड़ा थोड़ी अदला बदला करो, ये कपड़ा कुआ वो कपड़ा कुआ थोड़ी सी अदला बदला करो। तो जो लोग स्नान करके आए देखा जहाँ पर कपड़े रखे थे ना कपड़ा है नहीं, वो कपड़ा सब अदला बदला हुआ कपड़ा है, हैं ये चीज को देख करके आपस आपस में वो लड़ाई करना शुरू कर दिया, हैं आपस आपस में मेरे कपड़ा यहाँ कहीं चला गया, मेरी कपड़ा यहाँ कहीं चला गया, हमारे कपड़ा यहाँ कहीं चले गया, वो आपस में लड़ाई झगड़ा आपस आपस में करना शुरू कर दिया। रामानुज आचार्य ये सब चीज को देख करके चुप हो गए। अभी इनको तो देख लिया, फिर एक दिन रामानुज आचार्य कथा कर रहे थे, उनका शिष्यों को बोले देख बच्चों एक काम करियो, जब मैं कथा करता हूँ ना ये धनुर्धर बैठ कर कथा सुनता है लेकिन उसकी पत्नी रहती है घर में, और तुम लोग एक काम करना उसकी पत्नी को घर में चला जाना और जितने रुपया पैसा धन दौलत सब लूट करके ले आना उसका घर से, और लूट करके जब बोलोगे हम सारे लूट करके ले आए बोल देना गुरु जी बस काम हो गया, फिर मैं कथा को विश्राम दूंगा, फिर तो धनुर्धर घर में जाएगा हैं धनुर। उसने ऐसे किया लूट करके ले आए, और जब लूटने के लिए गए ना देखो
गृहस्थ होते हुए भी इनकी गुरु जी की सेवा के प्रति कितने भावना है, गृहस्थ है लेकिन गुरु सेवा के प्रति कितने समर्पित आत्मा, ये चीज को दिखाया। उसकी पत्नी सो रही थी और पहली माता है ना, पूरा शरीर में सोने की है, सोने की सर से लेकर पैर तक नुपुरी है, अंगूठी है, हाथ में बाला है, पहले बहुत सोना पहना करती थी माताएं, गले में सब जगह में, मैंने देखा, मेरे माँ को भी देखा है, इतने मोटी मोटी बाला हाथ में, हाथ में इतनी मोटी मोटी चांदी, इतने मोटे मोटे चांदी है, गले की हार इतने, सर की, नाक की, कान की, जब पहले माता है ना बहुत पहना करती थी सब चीज को बहुत। अभी चोर भुट्टा बदमाश हो गए इसलिए ये डर के मारे कोई नहीं पहनते हैं, लेकिन पहले पहले बहुत सजती थी, पूरा उसका शरीर में सोने सोने की अलंकार। वो सो रही थी और दूर से देखा कि गुरु भाई लोग अंदर में घुस रहे हैं, घुस करके सामान को उठा रहे हैं। बोले बहुत कितने अच्छी भावना है, बोले अच्छी चीज है, गुरु भाई लोग आए गुरु जी की सेवा के लिए उठा कर ले जा रहे, बहुत अच्छी बात है, बहुत गुरु जी की सेवा में लगनी चाहिए। सबको ले करके और ये सो रही थी, जो सो रही थी इनके शरीर से भी एक एक करके सोने की जो है अलंकार एक एक निकालने लग गए। वो ऐसे चुपचाप सो रही थी और एक एक निकाल रही थी, लेकिन सोई नहीं, जगी हुई है। बोले अच्छी बात है, गुरु जी की सेवा के लिए ले जा रहे, गुरु जी की सेवा होगा कम से कम। लेकिन उसने देखा एक तरफ का सोने का तो सब निकाल दिया, लेकिन जिस तरफ में सोई हुई ना अभी उस तरफ का निकाल नहीं पाए। वो सोच रही थी थोड़ी सी मैं करवट ले लेती, करवट लेते ही दूसरे तरह का जो है सोना है उसको भी निकाल लेंगे। इतने में उसने जब थोड़ी करवट लिया ना, उनको पता चला भैया तो जग गई, चलो भागो यहाँ से, तब लेकर सब सब भाग गए। जब भाग गए जाकर के इशारा किया रामानुज आचार्य जी को, गुरुदेव हमने सब कुछ लूट कर लिया, तो उन्होंने कथा को विश्राम दे दिया, विश्राम दे दिया तो अभी ये धर्मधर घर में गया। तो गया तो उन्होंने शिष्यों को बोले जाओ देख करके आओ ये आपस में क्या बात करते, आपस में क्या बात करते। जब उसके धनुर्धर आया ना, उसको पत्नी ने कहा जानते हो बोले क्या है, बोले आज हमारे घर में हमारे गुरु भाई लोग आए थे, बोले फिर, बोले यहाँ से सारे सामान को गुरु जी के सर ले उठा कर गिर ले, बोले फिर, बोले एक गड़बड़ी हो गई, बोले क्या, बोले मेरे एक शरीर का एक तरफ से तो सारे अलंकार को निकाल लिया और मैंने देखा जिस तरफ में करके सो रहा था उधर बाकी रह गई, मैंने थोड़ा पास फिरा दिया तो बास कितने में भाग गए, इस तरफ का जो सोने था उधर गुरु जी को सेवा में लगा ही नहीं। इतने में श्री हाँ इतने में धनुर्धर पत्नी को गाली दिया, बोले क्या तुमने किया है, तुमने सर्वनाश कर दिया, एक तरफ का तो सारे सोना चांदी चला गया गुरु जी की सेवा में, दूसरे तरफ में गुरु जी की सेवा में लग नहीं पाया, गुरु जी की सेवा में लग नहीं पाया, तुमने ऐसे किया, डांट लगा रहे थे पत्नी को। अरे इन लोगों ने सबके सब सुन करके जब गए, बोले आपस में क्या बात कर रहे थे, बोले ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, बोले तुमने देख लिया, तुम लोग अपने आप को त्यागी साधु समझते हो और उसको समझते हो गृहस्थ है, लेकिन तुम्हारी कंपनी कपड़ा थोड़ी अदल बदल हो गया और आपस में लड़ झगड़ करके मरना हाँ लड़ झगड़ करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी घर का सर्वस्व लेकर ही चले आए, पत्नी की एक अंग का अलंकार बाकी रह गया, वो डांट लगा रहे हैं इसको, गुरु जी की सेवा में ये क्यों नहीं लगा, गुरु जी की सेवा में क्यों ले लेगा, बताओ तुम बड़े ना वो बड़े, तुम बड़े ना वह बड़े हैं, बताओ तुम लोग खुद विचार करो, तुम लोग जो बोलते हो मैं जब तेल लगाता हूँ तुम्हारे कंधे पर रख करके नीचे स्नान के लिए जाता हूँ, स्नान करने के बाद उसको कंधे पर हाथ लगा कर आता हूँ, तुम्हारे अंदर में है हाँ तुम्हारे अंदर में क्या होता है, आपस में चर्चा करने लग गए हो, आपस में निंदा चर्चा करने लग गए, तुम देख लिया उनकी भाव। इसलिए चैतन्य भागवत में कहते हैं, देखो कहते हैं गृह हो त्यागी हो भक्त भेद नाई, भक्त भेद कर ले से कुंभ बाकी जाए, कहते त्यागी हो नहीं तो गृह हो, कहते भक्त में कोई भेद नहीं है, जैसे श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य है और हमारे सबके सब गृहस्थ थे, सब गृहस्थ थे लेकिन भगवान की सेवा में कितने समर्पित आत्मा है, कितने गुरु जी की सेवा के लिए समर्पित आत्मा है। मेरे एक गुरु भाई थे जिनका नाम था सुदर्शन,
आप सोच नहीं सकते प्रभु। ये भी ऐसे धनुर्धर, पहले धनुर्धर मतलब ऐसे ही, वो भी ऐसे गुंडा था, ऐसे गुंडा, उसका तीन तीन बीबियाँ थी, एक उड़िया एक बंगला भैंसे रख रखा था, और उसको तीन चार दुकान, बड़े अच्छे पैसा कमाया करता था, ऐसे अच्छे पैसा कमाता था, इतने गुंडा बदमाशी था, जब एक साथ में तीन चार किलो मांस खाएगा और शराब पिएगा, और ये जब जिस दुकान के जहाँ शराब का अड्डा करना है ना, जब मांस जब ये घुस जाएगा और सब भाग जाएंगे इसके डर के, और वो मांस और शराब पी करके टेबल को लेकर घुमाना शुरू कर देता, वो तो इतने नामी गुंडा थी, लेकिन हमारे गुरुदेव उसको उधार किए हैं। देखो कैसे उधार हुआ, इसने क्या किया, गया नवद्वीप में गया था, नवद्वीप में हमारे गुरु जी के मठ है, और शराब पी कर गए और लंबा चौड़े से काले लंबे चौड़े शराब पी कर गए वहाँ पर गया, हमारे मंदिर में कीर्तन हो रहा था। अब देखना जब शराब पीते ना थोड़ी सी नाचने का भी इच्छा करता है, हैं सब झूमते है, वहाँ कीर्तन हो रहा था, कीर्तन सुनकर थोड़ा झूमने लग गया, जब झूमने लग गया और तो पैसा वाला तो था ही, उसने उसी समय में पाँच रुपया की बड़ा कीमत है, उसने 5 रुपया दे दिया, हमारे जो पुजारी था ना एक सुंदर ठाकुर जी की प्रसाद माला उसकी गला में पहना दिया, जब पहना दिया वो ठाकुर का प्रसाद माला था, प्रसाद माला था, ठाकुर जी को प्रसाद माला पहना, ठाकुर की सेवा के लिए 5 रुपया दिया उसने, पता नहीं वो शराब पी रखा था, बोले मैं दीक्षा मंत्र लूंगा, आपका गुरु जी कहाँ है, और उसको मुँह से बदबू निकल रहा था, शराब की बदबू निकल रहा था, मैं दीक्षा मंत्र लूंगा, गुरु जी कहाँ है, गुरु जी आपका मंदिर की, बोले उनको समझ गई तो शराब पी कर रखे, बोले गुरु जी कलकत्ता में, बोले कहाँ पर, बोले 29 से भी हाजर रोड में, तो उसने वो रहता था कलकत्ता में, बहला भी रहता था, अभी उसने एड्रेस लेकर गुरु जी को पास में आया, आया तो इतने लंबे चौड़े भगवान, हाँ और वो भी पी का पी पागर का आया था, बोले मैं दीक्षा मंत्र लूँगा, गुरु जी ने कहा देखो दीक्षा मंत्र लेने के लिए हमारे कुछ नियम है, बोले क्या नियम है, बोले पहला नियम है, चार नियम है, इसलिए पहले तो ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खा नहीं सकते हो, दारू जितने बीड़ी सिगरेट गंजा अफीम भांग ये सब चीज़ को ले नहीं सकते हो, ये सब नियम हैं, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं कर सकते हो, ये सब नियम है, अगर जुआ नहीं खेल सकते हो, अगर ये नियम का पालन कर सकते हो तो फिर दीक्षा मंत्र मिलता, ऐसे दीक्षा मंत्र नहीं मिलता। पता नहीं उसको अंदर में क्या भावना आया, बोले गुरुदेव जब मेरे को शराब पीने का समय आती है ना और मांस खाने का समय, एक से 4-5 किलो मांस खा लेता था और शराब तो कितना बोतल पी लेता था, जब जिस समय में इसको पीने का समय होता है अगर मैं नहीं पीऊँ ना फिर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और बेचैनी से होने शुरू हो जाता है, जब तक नहीं पियेंगे नहीं खाएंगे तब तक मेरा शरीर सही नहीं रहेगा, अभी मैं क्या करूँ, शराब बगैर तो रह नहीं सकता, मांस खाए बगैर तो रह नहीं सकता, अभी मैं क्या करूँ, तब गुरुदेव ने कहा देख बेटा जब तुम भगवान का नाम ग्रहण करोगे ना सब ठाकुर की कृपा से सही हो जाएगा। देखो क्या हुआ, जब गुरुदेव इतना केवल बोल दिया है, इतना बोल दिया कुछ नहीं होगा चीज को छोड़ दो, पता नहीं तो जादू हुआ उसका जीवन में, ऐसे जादू हुआ सचमुच से, जब छोड़ दिया उसने, जिसने छोड़ दिया बोले तुमको अकेले नहीं देंगे, पत्नी को साथ देंगे, ऐसे हम अकेले नहीं देते, क्यों घर का रोसी बनाई के पत्नी, उधर तक बंगाल में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाते हैं, इसलिए अकेला नहीं दूंगा, पत्नी को साथ में दूंगा, पत्नी को पहले राजी कराओ, हाँ। लेकिन जिस दिन से उसने छोड़ दिया उसको पेट में जो दर्द, कुछ नहीं हुआ उसकी, और जब अपना पत्नी को आकर के बोले मैं दीक्षा मंत्र लूंगा, लेकिन वो गुरु जी कह रहे हैं अकेले नहीं पत्नी को साथ में, पत्नी बोले वाह बढ़िया हो गया, क्योंकि जो शराब पी करके आता था उसको होश आवार से नहीं रहता था, एक रिक्शा वाला उसको घर में छोड़ देता था, और ये पत्नी घर में नहीं घुसाई करती थी उसको, दरवाजा बंद कर रखती थी, शराब पी कर आता ना हाँ गुंडा जैसे, उसको पत्नी दरवाजा बंद कर देती और रात भर बाहर पड़ा रहता था, जब उसके नशा उतरता था फिर उसको घर में लेती थी, पत्नी भी परेशान, बोले गुरु जी ने क्या बताया, बोले मांस मछली अंडा इसको नहीं खा सकते हो, तो उसको पत्नी तो खुश हो गई, बोले अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, इसलिए उन्होंने राजी हो गई, फिर लिया, आप सोच नहीं सकते हो उसने जो गुरु जी की सेवा की ना, जब वो हमारे मंदिर में, जब मैं छोटा मैं तब नया नया था, जब वो मंदिर में आ जाता था हमारे ब्रह्मचारी संन्यास इतने खुश हो जाते थे, बोले क्यों, वो बहुत सुंदर सुंदर बना कर खिलाना जाता था, तो उसको दुकान था,
मिठाई की पकौड़ा की अलग अलग, अब वहीं से सारे सामान लेकर के आएगा और यहाँ पर बना बना करके अपना हाथों से बना बना करके अपना हाथों से साधुओं को जितना दिन तक रहेगा खिलाएगा। और कलकत्ता मठ में जब वो आता था, वो उसका घर में तेल भाजी है, वहाँ के समोसा, वहाँ के पकौड़ी और वहाँ के ये होता है उसको क्या बोलते हैं, गुलगुला नहीं गुलगुला, और एक एक चाप और एक जिसमें बीट गाजर और उसमें कटलेट जैसे होता है, उसको उसका दुकान बहुत बहुत सेल होता था। जब आएगा ना भर भर करके ले आएगा मंदिर में, भर भर करके ले आएगा और लास्ट में उसका गाड़ी गाड़ी में था, वो स्वयं गुरु जी को गाड़ी में लेकर प्रचार करने के लिए जाना, गुरु जी को प्रचार करने के लिए ले जाना। इतने सेवा किया है भगवान, अब सोच नहीं सकते। उसका घर मंदिर जैसे एक ही है, उसका बच्चे मंदिर को जैसे अलग नहीं, वो एक ही है। इतने उसने सेवा की, सोच उसके बाहर से उसने सेवा की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिन्हें सर्वस्व भगवान के देन तिनी मुक्त, जो सब कुछ गुरु जी दे देते हैं, सब कुछ ठाकुर को जीवन सर्वस्व दे देते हैं, मुक्त कौन है, केवल वही व्यक्ति ही मुक्त पुरुष है। सर्वस्व अर्पणे कार्पण्य बद्धता वा कृष्ण विमुखता, इसलिए कार्पण्य बद्धता मुक्त पुरुष गण यथा सर्वस्व दिया कृष्ण सेवा करें तरा कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कहते मुक्त पुरुष ही सब कुछ दे करके गुरु वैष्णव की चेष्टा सेवा वही कर सकते हैं। इसलिए गुरु कृपा व्यतीत सर्वस्व देवा वा मुक्त हुआ जाए ना, जब तक गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होता है तब तक कोई भगवान का सब दे भी नहीं सकता है, भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता है। हाँ, इसलिए कहते कृष्ण किसकी धन है, बोले गुरु वैष्णव का धन ही कृष्ण है। तीन आदि ले के हो कृष्ण के पेते भरना, जब तक गुरु वैष्णव हमें भगवान नहीं देते हैं, भगवान को जगत में कोई नहीं पा सकते। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकत या कृष्ण कौन दे सकता है, वैष्णव गुरु जी का ही कृष्ण है, वही कृपा करके हमें कृष्ण दे सकते हैं। हाँ, गुरुदेव गुरु हो कृष्ण सेवा करता है तभी कृष्ण सेवा लाभ होगा। बोले कृष्ण सेवा कब होगा, जब हम गुरु वैष्णव का हो करके भगवान की सेवा करेंगे तब कृष्ण हमें प्राप्त हो सकते हैं। जेखाने गुरुवार अनुगत्य गुरु सेवा नहीं सेखाने कृष्ण सेवा असंभव। जहाँ पर गुरु जी का अनुगत्य गुरु सेवा नहीं होता है, वैष्णव का सेवा नहीं होता है, कहते भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए कहते कृष्ण सेवा कैसे मिलेगा, बोले कृष्ण सेवा तभी मिलेगा गुरु वैष्णव का अनुगत्य में करने पर ही कृष्ण सेवा मिल सकते हैं। गौर ब्रह्मानंदे।